मोबाइल न्यूज 24 में हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है आज सुबह की ताजा तरीन खबरों का। आज से दशहरा की छुट्टी हो रही है, वहीं आज ही के दिन विश्व साइड डे मनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय से विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जम्मू कश्मीर के डोडा में धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ आज करेंगे, जहां कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 1 बजे ये शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। आसियान के मौजूदा अध्यक्ष लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफनडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर आज लाओस दौरे पर आने के लिए न्योता दिया है। इस दौरान वे आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन और 19वीं ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे। दोस्तों आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और उस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल की वीडियो में कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम इस वीडियो के एंड में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज से गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनवरत 3 दिन अनुष्ठान और आराधना में लीन रहेंगे। आज की शाम वह गोरक्ष पीठ के पारंपरिक निशा पूजन में सम्मिलित होंगे। तेजस्वी यादव दशहरा के बाद 16 अक्टूबर से अपनी संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत बांका से करेंगे। 11 दिन की यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव 11 जिलों में प्रवास करेंगे। हरियाणा हार का दिखने लगा असर, आप दिल्ली में नहीं करेगी कांग्रेस से गठबंधन, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में विजिलेंस टीम ने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया है। लोहे और लकड़ी की 3 कारखानों पर छापेमारी के दौरान कुल 23 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी गई। तीनों कारखानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगामी पर्व त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रबंधन की ओर से हाजीपुर शाहपुर पटोरी बरौनी मानसी के रास्ते पाटलिपुत्र और सहरसा के बीच 16 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। लंदन से दिल्ली आ रही विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। विमान में लगभग 290 यात्री सवार थे। फ्लाइट में बम होने की जानकारी कागज पर लिखी गई थी जो शौचालय में मिला था, हालांकि विमान में बम नहीं मिला। पंजाब कैबिनेट ने राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान को मिलिंग के लिए सौंपने और उसे बनने वाले चावल को केंद्रीय पूल में समय पर पहुंचाने के लिए खरीफ सीजन 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे सेलर मालिकों को काफी लाभ होगा। हरियाणा के इसराना से चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता कृष्णलाल पवार ने सीएम चेहरे को लेकर कहा कि संगठन तय करेगा कि कौन चेहरा होगा और उन्हें विधायक दल का नेता माना जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से गोगो दीदी योजना को मतदाताओं को प्रलोभन देने वाला भ्रष्ट आचरण बताते हुए इसे रोकने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत हर एक ग्राम पंचायत में महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। 179 महतारी सदन की मंजूरी मिल गई है। संजोदी मस्जिद विवाद में मिली नई जानकारी, 11 अक्टूबर को सौंप दी जाएगी मस्जिद गिराने के आदेश की कॉपी। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस से रुख साफ करने को कहा है कि वह महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना चाहती है या नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिवाली से पहले गुजरात सरकार ने मेडिकल शिक्षकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राज्य के हर एक नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ऐसे ही सुबह की ताजा तरीन खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके।
देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।